इनके वड़ा पाव की एक बाइट और लेते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इसका फ्लेवर इतना बढ़िया है, मेरे मुंह में मतलब जो माउथ है माउथ वाटरिंग हो रहा है, और इसमें इतना पानी आ रहा है मुंह के अंदर। एक बाइट और लेते हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फूड जर्नलिस्ट के अंदर। आज हम जो फूड कवर करने आए हैं वो है दसिंग स्नैक्स, जो कि है रोहिणी सेक्टर 15 के अंदर। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो उसका लैंडमार्क है रॉयल भवन, जो कि सेक्टर 15 रोहिणी के मेन रोड पे है। जो लोग यहाँ पे फूड इंजॉय कर रहे हैं, आइए उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इनके फूड के बारे में और कहाँ कहाँ से लोग ये फूड खाने आ रहे हैं। सर चलिए, पहले सबसे पहले आपका नाम? विजय। आप सर कहाँ रहते हैं? मैं रोहिणी में ही रहता हूँ, सेक्टर 13 में। और यहाँ पे ये फूड आप कब से खाने आ रहे हैं? ये हम 3-4 साल से खा रहे हैं। तो मुझे बताएंगे ये जो फूड आप खाने आ रहे हैं, ऐसा फूड तो हर जगह अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो आप यहाँ ही क्यों आ रहे हैं? ये इनका बहुत टेस्टी है और रीजनेबल भी है और क्रिस्पी बहुत है। हाँ। ऐसा एक फूड जो हमें टेस्ट करना चाहिए, जिसके आप हमें सजेस्ट करें, उसका नाम बताइए। प्लेन डोसा। मैं तो प्लेन ही खाती हूँ। अच्छा, आप प्लेन ही खाते हैं। इसके अलावा प्लेन डोसा, देखिए आपने रिकमेंड कर दिया, हम लोग प्लेन डोसा खाएंगे। इसके बाद उत्तपम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम? राहुल राज। राहुल जी, आप कहाँ से ये फूड खाने आए हैं और कहाँ रहते हैं? रोहिणी सेक्टर 19 तो काफ़ी शॉप से मुझे पता है, तो आप स्पेशली सेक्टर 15 के अंदर जो इनका ये दक्षिण का स्नैक्स फूड खाने आए हैं, तो कुछ स्पेशलिटी? स्ट्रीट फूड का कॉन्सेप्ट मुझे देख के अच्छा लगा। ठीक है, और पिछले 1-2 सालों से खा रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा लगता है खड़े होकर। एक सेल्फ डिपेंडेंट लेडीज दुकान चला रही हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं इनका जो फूड है बहुत टेस्टी है और यहाँ रश भी काफ़ी रहता है जी। लेकिन अगर हम यहाँ टेस्ट करना चाहें तो कौन सा फूड टेस्ट करें जो आपके रिकमेंडेशन हो? यहाँ बड़ा भी खा सकते हैं आप, मसाला डोसा भी खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी मसाला डोसा वैरायटी काफ़ी कम है, ऑप्शन कम है, लेकिन सब बेटर ऑप्शन है, तो वन ऑफ द बेस्ट। या इसके मतलब आपकी एंड से बेस्ट कौन सा है? कुछ भी खा सकते हैं। एक बता दीजिए आप मुझे, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, ओनियन मसाला डोसा, सिंगल बड़ा, ये जो आपके फेवरेट हैं जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका नाम? रेखा। ठीक है, आप ये जो स्टॉल चला रहे हैं कब से चला रहे हैं? हमारा का 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो ऐसा कोई फूड जो आपके यहाँ सबसे हटके हो, पूरी दिल्ली से जो बेस्ट हो, ऐसा एक फूड? हम तो हर सब्जी तो हर आइटम तो नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा एक फूड जो बहुत बेस्ट हो? वैसे मसाला डोसा को। मसाला अगर हम टेस्ट करना चाहते तो कौन सा फूड टेस्ट करेंगे? मसाला डोसा करो। मसाला डोसा, ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारा मसाला डोसा तैयार किया जा रहा है, तो भैया क्या चीज़ डाली आपने इसके अंदर? चावल डाल देते हैं। और ये आप बटर यूज़ कर रहे हैं या ऑयल यूज़ कर रहे हैं? फॉर्च्यून, कौन सा फॉर्च्यून यूज़ कर रहे हैं ये? क्योंकि मोस्टली लोग क्या फॉर्च्यून यूज़ करें, महाकोश वगैरह यूज़ करते हैं ना, फॉर्च्यून। ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है, क्वालिटी इनकी बहुत बेस्ट है। और अभी तक भी जितने भी लोगों से हम लोगों ने रिव्यू लिया इसका, तो सबने ये बताया कि इनका जो स्नैक्स फूड है वो बहुत बेस्ट है। और भैया आपने क्या लगाया इसके अंदर? ये अब इसके अंदर एक आलू का जो पेस्ट है वो बना के इस पर डाला गया है, अब जब ये क्रिस्पी हो जाएगा उसके बाद फोल्ड करके या सर्व कर देंगे, ऐसा ही है ना कुछ? तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि इन्होंने एक रोड पे ठेला लगा रखा है, उसके बावजूद भी क्या है यहाँ पे लोग अपनी गाड़ीज में आ रहे हैं और फूड को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गर्म गर्म को फूड खाने का जो मज़ा है वो सर्दियों के अंदर ही है। तो आइए हम इनका सबसे पहले सामान टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि अगर इतनी भीड़ यहाँ पे लग रही है तो कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी और लोगों से बेटर होगी। तो सबसे पहले इनका सामान टेस्ट करके देखते हैं और बताते हैं इसका टेस्ट। सबसे बड़ी बात ये कि इनका सांभर एक तो गरम और प्रॉपर मसाले, इसमें बैलेंस मसाले यूज़ करे गए हैं, जिससे ना ही ज़्यादा स्पाइसी है। एक सी बोर्ड लेके देखते हैं, और एक खट्टे पन का टेक्सचर आ रहा है जो मुंह में जाके घुल रहा है। और सब्जियां प्रॉपर इसमें यूज़ करी गई हैं,
और हम टेस्ट करेंगे इनकी वन ऑफ द बेस्ट नाली की चटनी। मैं आपसे अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले साउथ इंडिया गया था और वहाँ मैंने 15 दिन स्टे किया था। जो नारी चटनी मैंने वहाँ खाई थी वही टेस्ट मुझे यहाँ मिला और उस टेस्ट को इन लोगों ने कहीं ना कहीं मेंटेन किया गया। तो इसी वजह से यहाँ पे इतने लोग आए हैं और फूड को एंजॉय कर रहे हैं। और सांभर वड़ा के साथ इन्होंने एक और चटनी सर्व की है जो कि प्याज और शायद टमाटर से बनाई गई है। तो एक बार इसे टेस्ट करते हैं, बताते हैं टेक्सचर कैसा है। इसका जो टेक्सचर आ रहा है वो एकदम ऐसा है जो आपकी ज़बान पे जाके घुल रहा है। और अगर हम डोसा या वड़ा ले रहे हैं तो उसके साथ इस फूड को एंजॉय करने में मैं बोल भी नहीं पा रहा कि मुँह में इतना पानी आ रहा है इस फूड से। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये फूड कितना स्पाइसी है और कितना डिलीशियस है। सांभर चेक किया था, टेस्ट किया था, अब हम इनका वड़ा टेस्ट करके देखते हैं। और वड़ा खाने का जो मज़ा है ना वो जब तक वड़ा सांभर के अंदर डूबा ना हो तो इसे खाने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो सारे फ्लेवर होंगे ना वो इस वड़े के अंदर आ जाएंगे और जब इसे हम इंजॉय करेंगे तो एक आपको अलग ही मज़ा आएगा। मैंने उससे पहले भी कहीं ना बड़े टेस्ट किए हैं लेकिन इनके बड़े के अंदर वो टेस्ट वो टेक्सचर निकल के आ रहा है जो आपको मतलब एक बड़ी बाइट लेता हूँ मैं उसके बाद बात करता हूँ। बहुत ही बैलेंस मसाले यूज़ किए हैं और मेरा मन नहीं कर रहा मैं इस बार ज़्यादा इस फूड के बारे में ज़्यादा बोलूँ। मैं चाहता हूँ मैं इस फूड का कंसिडर करूँ और इसे इंजॉय करूँ। हमने ये एक और आइटम ऑर्डर किया है मसाला डोसा जो कि देखने में बहुत क्रिस्पी लग रहा है। अब इसे टेस्ट करके बताते हैं आपको ये सच में क्रिस्पी है भी या नहीं। ये डोसा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था, लेकिन अगर आप ये लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको फ्रेश और गर्मा गर्म एकदम फूड सर्व किया जाएगा। तो भाई सांभर का टेस्ट करके बताते हैं फूड का। एक बात और लेते हैं, अब एक बाइट इनकी जो नारियल की चटनी है जो यहाँ बहुत फेमस है उससे लेके देते हैं। अगर यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है तो उसका रीज़न ये है कि इनका फूड वन ऑफ द बेस्ट फूड है दिल्ली के अंदर। तो ये क्वालिटी जितना मुझे याद है ये क्वालिटी सिर्फ मैंने साउथ इंडिया में खाई थी कुछ टाइम पहले। उसके बाद मुझे सजेस्ट किया गया कि आप इस वीडियो को शूट करें सेक्टर 15 रोहनी के अंदर जो कि रॉयल भवन के सामने है। फिर मैंने आपके आके शूट किया है तो टेस्ट किया तो ये वो टेस्ट निकल के आ रहा है जो साउथ में एग्जैक्ट टेस्ट होता है। इनके वड़ा पाव की एक बाइट और लेते हैं क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इसका फ्लेवर इतना बढ़िया है मेरे मुंह में मतलब जो माउथ है माउथ वाटरिंग हो रहा है और इसमें इतना पानी आ रहा है मुंह के अंदर। एक बाइट और लेते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहे इस नई जगह नई जायके के साथ।